आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लगन वालों के लिए फरवरी का जो महीना है नए साल में, फरवरी का महीना आपका कैसा बीतेगा। ये चार्ट जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये फरवरी के हिसाब से बना हुआ है, तो इसमें जो भी ग्रहों की स्थितियां हैं वो फरवरी के अनुसार कुछ इस प्रकार से दिखेंगी। कुंडली में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले गोचर को। गोचरी तो गोचर में जहां तक हम बात करें, सबसे पहले अगर सूर्य को देखें तो 13 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद इनका गोचर कुंभ राशि में होगा। बुध 1 फरवरी से मकर में गोचर करेंगे और 20 फरवरी से कुंभ में ट्रांजिट करने लगेंगे। शुक्र धनु राशि में ट्रांजिट करेंगे और 12 फरवरी से मकर में ट्रांजिट करेंगे। मंगल का ट्रांजिट होगा 5 फरवरी से मकर राशि में। गुरु मेष राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। गुरु हाल ही में मार्गी हुए हैं तो गुरु का अत्यंत शुभ परिणाम इस मंथ में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें शनि की तो शनि कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे। चंद्रमा 1 फरवरी को तुला राशि में ट्रांजिट करेंगे। राहु मीन में और केतु कन्या में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां जहां पर आप ये पता लगा सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है और कब मार्गी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अब चार्ट के हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले लेते हैं शनि को। देखिए शनि आपके पहले और दूसरे घर दोनों के ही स्वामी बनते हैं। शनि दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और ऐसे में ये काफी अच्छी स्थिति है आपके लिए। अगर आपका पैसे से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित या घर से, परिवार से संबंधित कोई भी कार्य है, आप ज्यादा से ज्यादा उस काम पे फोकस कीजिएगा, उस धन से जुड़े हुए कार्य पे फोकस कीजिएगा। इसके अलावा आपकी वाणी को लेकर कुछ दिक्कतें इस मंथ में भी रहेंगी। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ना बोल रहे हो, आप पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। इसके अलावा शनि का यहाँ होना आपको काफी ज्यादा चिंता देगा अपनी फैमिली के लिए, कुछ नई एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा जिसके वजह से आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ का शनि वाणी को लेके जो दिक्कत करता है इस वजह से आपके रिश्ते जो हैं फैमिली के साथ और अन्य लोगों के साथ भी कभी कभी खराब रह सकते हैं। शनि का यहाँ होना कुछ हद तक आपके आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है उसको अच्छा नहीं दिखाता। डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है क्योंकि यहाँ शनि होने की वजह से आप काफी ज्यादा अनुशासन में अपने आप को देखेंगे और अपनी फैमिली को भी काफी ज्यादा अनुशासन में देखना चाहेंगे। ये स्थिति आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। फिर शनि क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश होने की वजह से इस समय आप जो भी आपकी स्पेशल जिम्मेदारियां बनती है अपनी फैमिली के लिए, अपने धन संबंधी कार्यों, प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों के लिए, आप उन पे ज्यादा फोकस करने वाले हो। फिर शनि की यहाँ से दृष्टि है आपके फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पे दृष्टि होने की वजह से यहाँ प्रॉपर्टी संबंधी लाभ या घर में कोई निर्माण कार्य से संबंधित लाभ मिल सकता है। देखा जाए तो ये स्थिति आपके माताजी के स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी नहीं कही जाएगी और परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका थोड़ा बहुत मनमुटाव आपको देखने को मिल सकता है। शनि का फोर्थ हाउस पर एस्पेक्ट होने की वजह से यहाँ थोड़ा सा आपको काम करने में रुकावटें आएंगी या यूं कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। फिर शनि यहाँ से देख रहे हैं आपके एर्थ हाउस को। एर्थ हाउस पर शनि का एस्पेक्ट ये आपको कुछ ना कुछ नया इनकम सोर्स ढूंढने में मदद करेगा। आपके ससुराल पक्ष के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं देखने को मिलेंगे। शनि का एर्थ हाउस को देखा जाना आपके धन संबंधी कार्यों में काफी ज्यादा दिक्कत कर सकता है। यहाँ पे हालांकि कभी कभी आपको बहुत ही एक स्टेबल स्थिति धन संबंधी कार्यों में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ हालांकि आपको नए इनकम सोर्सेज ढूंढने में मदद अवश्य मिलेगी बट जो काम है आपके काफी स्लो स्लो बनेंगे। ऐसे में थोड़ा सा आपको दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद शनि यहाँ से यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस को जब यहाँ से शनि देखते हैं ऐसे में ज्यादा से ज्यादा आपके नेटवर्क से आपको मदद मिलेगी। देखा जाए तो आप धन को और प्रॉपर्टी को काफी अच्छे से मैनेज करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम लेते हैं गुरु के ट्रांजिट को। देखिए गुरु जो कि थर्ड लॉर्ड है और गुरु आपके चार्ट में 12वें घर के भी स्वामी हैं, गुरु का ट्रांजिट जो हो रहा है फोर्थ हाउस में हो रहा है और गुरु अब मार्गी हुए हैं जनवरी से, तो ऐसे में करियर को लेकर ये गुरु बहुत ही अच्छा है। डोमेस्टिक लाइफ को लेकर बहुत अच्छा है। अगर आपका घर से रिलेटेड कोई भी काम पेंडिंग था, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी संबंधी कार्य था या घर में कोई अन्य कार्य या माताजी से जुड़ा हुआ कोई कार्य था, उन कार्यों पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। गुरु का यहाँ मार्गी होना ये दिखाता है कि जातक का जो फैमिली है, फैमिली और स्पेशली आपके माताजी काफी ज्यादा अध्यात्म की तरफ झुकाव रख सकते हैं। इसके अलावा फैमिली में जितने भी प्रकार के शुभ कार्य जो आपके अटके हुए थे वो पूरे होंगे। गुरु का यहाँ होना ये दिखाता है कि आपका कुछ हद तक घर परिवार के लिए कोई बड़ा खर्चा भी इस मंथ में हो सकता है।
इसके अलावा यहाँ गुरु का होना स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलेगी, कुछ ना कुछ नया सीखने में, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो गुरु का यहाँ होना ये दिखाता है कि फैमिली के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को देखेंगे और फैमिली के कार्यों के लिए आप ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले मंगल को देखते हैं। मंगल जो कि फोर्थ लॉर्ड और 11th हाउस के स्वामी है, मंगल का गोचर मकर राशि में हो रहा है, मकर राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में मंगल का गोचर ये आपको काफी फेवरेबल रहेगा। 5 फरवरी से मकर में मंगल प्रवेश करेंगे तो 5 फरवरी के बाद से आपको धन की लालसा बहुत ज्यादा रहेगी, अपनी खुद की रेपुटेशन और हर काम को बहुत ही परफेक्ट तरीके से करना चाहेंगे, हर किसी काम में परफेक्टनेस देखना चाहेंगे। मंगल का ये जो ट्रांजिट है, मंगल का ट्रांजिट आपको थोड़ा गुस्सा ज्यादा दिलाएगा, एनर्जी ज्यादा दिलाएगा। इस वजह से हो सकता है आपको कभी कभी अपने डोमेस्टिक लाइफ और अपने रिलेशनशिप को लेके दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन धन संबंधी मामले या जहां आपकी बात आती है लीडरशिप करने की, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जहां बात आती है, उन मामलों में मंगल का ट्रांजिट आपको बेहद अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो मंगल का एस्पेक्ट रहेगा अपने नीच के घर पे, तो यहाँ थोड़ा मैरिड लाइफ को लेके तकलीफें आ सकती हैं। इसके अलावा देखें तो मंगल क्योंकि आपको गोचर से मांगलिक भी बना रहे हैं, ऐसे में थोड़ा सा रिलेशन भले आपका अपनी फैमिली के सदस्यों के साथ हो या आपके जीवन साथी के साथ हो, उन सब मामलों में थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। यहाँ का मंगल क्योंकि सूर्य और बुध भी यहाँ रहेंगे तो काफी ज्यादा एनर्जेटिक बना देता है, तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और कोई भी गलत निर्णय आपसे ना हो। इसके साथ साथ मंगल आपको फोर्स करेगा कोई ना कोई काम जिसके लिए आप वास्तव में कोई ना कोई उद्देश्य लेकर आए हैं, एक्चुअल में कोई काम आप जो करना चाहते हैं उसके लिए ज्यादा से ज्यादा डेडिकेशन, उस काम की तरफ ज्यादा से ज्यादा झुकाव, ये सब यहाँ मंगल देने का काम करेगा। उसके बाद देखते हैं हम शुक्र को। शुक्र पंचमेश और आपके 10th लॉर्ड बनते हैं और शुक्र का ट्रांजिट आपके 12वें भाव में हो रहा है। 12वें भाव में जो शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है ये यहाँ पे धनु राशि में, तो 12 फरवरी से फिर ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 12 फरवरी से यानी लगन में ही आ जाएंगे। तो तब तक शुक्र 12वें भाव में, देखिए 12वें भाव का शुक्र है और धनु राशि का है तो आध्यात्म की तरफ ज्यादा रुझान देता है। जो भी लोग टैरो कार्ड रीडिंग जैसे कर रहे हैं या जो लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हैं, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, उन लोगों को यहाँ शुक्र ज्यादा सपोर्ट करेगा। और स्पेशली अगर पुरुषों के चार्ट के हिसाब से बात की जाए तो कोई नया रिलेशन और मैरिड लाइफ में बहुत सारे इश्यूज ऐसा शुक्र दे सकता है, कोई बड़ा खर्चा आपको ऐसा शुक्र दे सकता है। साथ साथ में थोड़ा मौज मस्ती वाला नेचर भी आपका इस मंथ में रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो शुक्र लगन में ही आ रहे हैं, लगन का शुक्र आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफी अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में कुछ नए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, अगर आप अभी अनमैरिड है और मैरिज करने को देख रहे हैं तो इस मंथ में आपको काफी अच्छे चांसेस बन सकते हैं मैरिज के लिए। इसके अलावा आपका कोई भी बिजनेस जो आगे नहीं बढ़ रहा या फिर आपका पर्सनल नेम फेम, उन सब के लिए शुक्र बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो शुक्र का ट्रांजिट हम बोल सकते हैं काफी अच्छा, काफी फेवरेबल रहने वाला है। लेकिन देखिए शुक्र है वो लग्जरी का कारक है और एकदम जीवन को फुली इंजॉय करने के लिए देखते हैं, तो ऐसे में शुक्र आपको मौज मस्ती पूरी देने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे बढ़े तो बात करते हैं बुध की। बुध आपकी कुंडली में 6th लॉर्ड और आपके वो 9th लॉर्ड बनते हैं और बुध का ट्रांजिट हो रहा है आपके लगन में। लगन में बुध का ट्रांजिट बेहद अच्छा रहेगा। 1 फरवरी से ही ये मकर में आएंगे, फिर 20 फरवरी से कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब तक लगन में बुध है आपको काफी चतुर चालाक चंचल बनाते हैं और आपको डेली लाइफ को मैनेज करने में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा हायर स्टडीज में और आपके कोई भी ऐसा कार्य है जहाँ पे आपको मेंटल स्किल की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर आपको अपनी मेंटल एबिलिटी की जरूरत पड़ती है, बुध उन मामलों में आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ में अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस के मामले में भी बेहद सपोर्ट बुध का रहेगा। बुध के लगन में आने की वजह से आप थोड़ा ज्यादा टॉकेटिव हो सकते हैं, ज्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले, बहुत तेजी से एनालिसिस करने वाले हो सकते हैं। तो ये बुध की स्थिति है ओवरऑल। उसके बाद बुध जाएंगे आपके सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस में जो बुध का ट्रांजिट होगा
ये 20 फरवरी से होगा। तो 20 फरवरी से अगर हम देखें ऑलमोस्ट लगभग 8 दिन बचेंगे आपके पास, और बुध का यहाँ जाना ये वाणी को लेकर काफी अच्छा रहेगा। अपने धन संबंधी जो कार्य हैं या फैमिली के साथ जो आपका कम्युनिकेशन है वो बेटर होगा, तो इन सब कार्यों को मैनेज करने के लिए बुध की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। इसके अलावा बुध का यहाँ जाना आपको थोड़ा सा परिवार के साथ ज्यादा अच्छा कनेक्शन दे सकता है। इसके साथ साथ अगर कहीं भी किसी विवाद में आप फंसे हुए हैं या कोई ऐसे स्थिति में जहां पर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इस मामले में बुध आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा का अगर आप ट्रांजिट देखेंगे, चंद्रमा आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और 10th हाउस में इनका जो ट्रांजिट है वो लगभग आपको 1 तारीख को देखने को मिलेगा। ऐसे में देखिए इस मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ा कैरियर को लेकर और अपने बिजनेस या जीवन साथी को लेकर चिंता ज्यादा रहेगी। फिर चंद्रमा जा रहे हैं आपके लाभ स्थान में, लाभ स्थान यानी आपका 11th हाउस जहाँ वो नीच के हो जाते हैं। ऐसे में धन लाभ नहीं होगा आपको, अगर स्पेकुलेशन में पड़ गए हैं तो आपको धन का नुकसान होगा। यहाँ पे पैसे को लेके या धन को लेके थोड़ी चिंता ज्यादा दे सकता है चंद्रमा। उसके बाद चंद्रमा 12वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। 12वें भाव का चंद्रमा आपके लिए ऑलमोस्ट अच्छा रहेगा, कुछ हद तक नया कोई बिजनेस प्लान करने में मदद करेगा। बट यहाँ अगर आप चंद्रमा होते हुए कोई नया डिसीजन लेते हैं, कोई नई शुरुआत करते हैं, तो शायद वो शुरुआत आपके फेवर में ना हो। उसके बाद चंद्रमा लग्न में गोचर करने लगेंगे, तो लग्न का चंद्रमा काफी ज्यादा इमोशनल आपको बनाएगा। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और सूर्य के बारे में बात करते हैं। देखिए सूर्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सूर्य का जो ट्रांजिट है वो और भी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मंथ में सूर्य लग्न में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। और सूर्य का जो ट्रांजिट लग्न में है, देखिए 13 फरवरी तक मकर में रहने वाले, 13 फरवरी तक की जो स्थिति है उसमें आपको पैतृक संपत्ति से लाभ, अपने इन-लॉज से लाभ, इसके अलावा कैरियर में विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सूर्य की इस स्थिति की वजह से हो सकता है आप थोड़ा ईगो में आ जाएं, आप थोड़ा जल्दी किसी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें, वाद विवाद करने की कोशिश करें। बट अगर आप किसी भी प्रकार से अगर सरकार के साथ जुड़े हुए हैं या सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं या एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो सूर्य की स्थिति बेहद अच्छी रहेगी। सूर्य का यहाँ आना आप में थोड़ा सा एनर्जी को ज्यादा बढ़ा देगा, इस वजह से कभी कभी आपको रिलेशनशिप वाइज और डोमेस्टिक लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा सूर्य क्योंकि अष्टमेश है, अष्टमेश होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपने जीवन साथी की फैमिली के साथ अच्छा बिहेव कीजिएगा। उसके बाद सूर्य जा रहे हैं आपके 2nd हाउस में। सूर्य का 2nd हाउस का ट्रांजिट बेहद अच्छा रहेगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट सूर्य आपको धन संबंधी मामलों में काफी ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ शनि ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं, इस वजह से सूर्य और शनि का यहाँ युति बनेगा। इस वजह से थोड़े परिवार के साथ संबंध बिगड़े हुए रह सकते हैं। इसके बाद देखिए ऑलमोस्ट हम सभी ग्रहों के बारे में यहाँ चर्चा कर चुके हैं। राहु केतु के बारे में कोई विशेष चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका स्पेसिफिक वीडियो है यूट्यूब पे जो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन इस मंथ में आने वाले हैं और कौन कौन से खराब दिन भी इस मंथ में आपके लिए आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम अच्छे दिनों की यहाँ बात करें, तो आपके लिए 1 तारीख, फिर 8 से 9, 14 से 17 और 21, 22 और 28 तारीख, ये दिन आपके लिए बेहद अच्छे रहने वाले हैं। देखा जाए तो इन दिनों में आप अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं जिस काम में विशेष रूप से रुकावट आ रही हो। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से खराब दिन रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। खराब दिनों में अगर हम देखेंगे, चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि में होगा 18 से 20 तारीख तक, ये थोड़ा सा स्थिति आपके फेवर में नहीं होगी। यहाँ आपको ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है, डेली लाइफ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को आप मिस करेंगे, आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे और अपना समय कभी कभी व्यर्थ में गंवाएंगे। चंद्रमा का ट्रांजिट जब लियो में होगा तो 23, 24 और 25 को ये स्थिति में आपको मानसिक तनाव या कार्य का बर्डन बहुत ज्यादा होगा, मन में थोड़ा गुस्सा ज्यादा रहेगा और मन में थोड़ा सा डर भी रहेगा। चंद्रमा का गोचर जब धनु राशि में होगा 6 और 7 को, तो ये 2 दिन बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल आप अपने आप को देखेंगे। इस समय कोई धन का बड़ा खर्चा हो सकता है, 6 और 7 को कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो तो आपको सावधानी से लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं 6 और 7 तारीख को। तो ये कुछ खराब दिन थे। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।